हेलो दोस्तों, गोली 000 में आप लोगों का स्वागत है। मैं पहले भी कह रही थी कि ये विष्णु का नाम बस विष्णु है, राक्षस है। इसको तो पहले ही मारना चाहिए था, जो कि जिंदा हो के मालती को मारना चाहिए था। ये मालती ने गलत किया। मरने के बाद कौन किसको न्याय देता है? कोई किसी को न्याय नहीं देता है। अब तो उसके रास्ते का कांटा वैसे भी हट गया, और पति के नाम पे तो धब्बा था। ऐसा कौन सा पति होता है कि अपनी पत्नी का इज्जत उछालता है? वो अपनी लाइफ में गलतियाँ नहीं की होगा, बहुत सारी गलती की होगा, लेकिन वही है ना, इसकी सोच, इसका दिमाग, सब कुछ बहुत गंदा है। इसको तो फांसी अगर दिलवा दे गवर्नमेंट तो भी कम है, और इसको तो नीचे से आग लगा दो, ऊपर से खंजर से भोंक भोंक के मारो, तब जाके मालती की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन मालती ने जो किया वो ठीक नहीं किया। उसको जिंदा रह के इसको सजा देती, और इसके किए की सजा सबको दिखाती तो मजा आता, लेकिन मर के अब क्या, एक मासूम बच्चा है उसको छोड़ गई, अब वो किसके सहारे रहेगा? ये तो खुद ही वैसे ही अय्यास किस्म का इंसान है। इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये तो आज नहीं कल शादी कर लेगा, इसका कुछ जाएगा नहीं। गया तो मालती का, उसके बेटे का, उसके माँ का, उसके भाई का, उसके बहन का, इसका कुछ नहीं होगा। पर इसको प्रशासन छोड़े ना, प्रशासन इसको कड़ी से कड़ी सजा दे और अच्छी से अच्छी धुलाई करे इसके साथ, तब ये सुधरेगा। नहीं तो इसके साए में बहुत सारे ऐसे मर्द लोग इल्ज़ाम लगाना शुरू करेंगे। ये पहला कांड किया है, दूसरा और भी करेगा, तीसरा और करेगा, तो इस वजह से ये कांड यहीं पे दबे तो ज़्यादा बढ़िया, वो भी प्रशासन के थ्रू। मेरा यही कहना है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दें। मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर